अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड एग्जांपल किया था। अब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है वो ये कि हमारे पास एक वन मीटर लॉन्ग बार है जो कि एक वेज के ऊपर बैलेंस किया हुआ। हम इस पॉइंट को पॉइंट ए और बी कह सकते हैं और हमें ये बताया गया है कि दो हैंगर्स लगाकर इसके ऊपर वेट को लटकाया गया है। सेंटर से इस वेट तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर और इस वेट तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। ओके, और हमें ये बताया हुआ है कि ये जो वेट है ये बेसिकली हमें मास दिया हुआ है जो कि है 10 किलोग्राम। हमें ये फाइंड करना है कि इस तरफ हम कितना वेट प्रोवाइड करें तो हमें ये चीज़, मतलब हमारे पास ये जो रॉड है वो बैलेंस हो जाएगा। हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ करेंगे, यानी इस तरफ हम मास को वेट में कन्वर्ट करेंगे और इस तरफ भी हम वेट फाइंड करके देंगे। यानी यहाँ पे W1 हमारे पास हो जाएगा 10 मास इनटू mg है तो 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, तो हमारे पास अब जो गिवन डाटा बनता है वो ये कि W1 हमें दिया हुआ है वो 100 न्यूटन। ओके, W2 हमें नहीं पता। L1 हमें दिया हुआ है 0.2 मीटर और L2 भी हमारे पास है 0.5 मीटर। हम इस W2 को फाइंड करेंगे, हम इस W2 को फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ करेंगे, यानी F1 into L1 equal to F2 into L2। ओके, वेट जो है वो भी एक फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो हम F की जगह W यूज़ कर रहे हैं, यानी W1 multiply by L1 equal to W2 multiply by L2। हमें चाहिए W2, यानी ये हमारे पास नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम इस L2 को इस तरफ लेके आ रहे हैं, वो बन जाएगा W1 multiply by L1 over L2 equal to W2। ओके, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास W1 है 100 into L1 है 0.2 over 0.5 equal to W2। तो हमारे पास W2 की वैल्यू आती है 40 न्यूटन्स। ओके, तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड मज़ीद एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करें, उन्हें सॉल्व करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन पोस्ट करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।